आपको पता ही है, टावर है, और इसकी जो कबाब टर्की में बहुत फेमस है। हे वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग, वीडियो शूट रह गला था इस्तांबुल टर्की में, और अभी मैं हूँ टैक्सन स्क्वायर जो स्ट्रीट है उस मार्केट में हूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं पूरा। और अभी टाइम यहाँ पे हो रहा है 12:30, और मैं बाहर निकला हूँ असीत के साथ। असीत यहाँ पे है, हेलो। और हमने ऑलरेडी शॉपिंग कर ली है, मेरे बैग और असीत भाई के बैग भी साथ में ही है। असीत भाई यहाँ पे बैग कैरी कर रहे हैं, दिखाओ। ये है चिकन कबाब एंड बीफ कबाब, टर्की में बहुत फेमस रहता है। आज जो हमने शॉपिंग की वो मैंने आपको दिखाया नहीं, क्योंकि वहाँ पे ब्लॉग मैंने शूट किया नहीं, तो आज जल्दी में थे हम लोग, हमने फटाफट से शॉपिंग कर ली। और वैसे भी आपको मैंने पहले ब्लॉग में दिखाया था कि इस्तांबुल में जो शॉप्स वगैरह हैं वहाँ पे शॉपिंग कैसे की जाती है, कैसे बार्गेनिंग करते हैं, वो सब चीज़ मैंने ऑलरेडी दिखाया था। तो चलिए आज आपको मैं लेके चलता हूँ गलाता टावर, जो बहुत फेमस है यहाँ पे गलाता में। और ये रेस्टोरेंट देखो क्या मस्त बनाया भाई, फ्लावर थोड़ा चेयर्स देखो, कलर कॉम्बिनेशन है मस्त। इससे पहले जो मैं आपको ट्रंप दिखाया था जो यहाँ पे टैक्सन स्क्वायर में चलती है, उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है हम वहाँ पे आ गए हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। और जो आप ज़मीन में देखेंगे यहीं पे जो ट्रेन की लाइन है, जो ट्रंप की लाइन, वो इस तरह की है, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर मेट्रो लेनी है आपको तो मेट्रो स्टेशन यहीं पे है सामने, आप देखेंगे ये मेट्रो स्टेशन है। एक बार फिर से नज़ारा दिखा देता हूँ, किस तरह का नज़ारा है। और यहाँ से सीधे अभी हम निकल रहे हैं गलाता टावर की तरफ को। यहाँ पे देखो ये स्कूटर क्या मस्त बनाया है फ़ोटो वगैरह लेने के लिए, इसमें इटली का फ्लैग लगाया हुआ है, क्योंकि सामने जो शॉप दिखा रहा हूँ मैं आइसक्रीम, ये इटालियन आइसक्रीम है। इसमें मेट्रो स्टेशन था वो मेरे पीछे था यहाँ पे, और जो टैक्सन स्क्वायर की जो स्ट्रीट है वो मेरे पीछे है। अगर आपको गलाता टावर जाना है तो सामने यहाँ से आप आगे को निकल जाओगे गलाता टावर के लिए, जो स्ट्रीट मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से सामने आपको सीधे जाना है आगे को गलाता टावर के लिए। और पूरा मैं आपको इस्तांबुल का मार्केट दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से देखो गली में इतनी भसड़ है भाई साहब, आप देख ही रहोगे, क्योंकि इस्तांबुल यार एक मतलब कमाल की डेस्टिनेशन है घूमने फिरने के लिए। यहाँ पे टूरिस्ट का मतलब आना जाना तो लगा ही रहता है हमेशा, कोई भी सीज़न हो। अभी विंटर सीज़न चल रहा है यहाँ पर, थोड़ा सा कम है गर्मी में, तो भाई साहब बहुत ज़्यादा भसड़ रहती है। तो गलाता के पास हम पहुँचने वाले हैं, गलाता टावर के पास। और यहाँ पर देखो एक कमाल की चीज़ यार, अम्ब्रेला देखो इसे ऊपर लगाई हुई है छाता पूरी। और यहाँ पे अभी हम एक शॉप पर आए थे, असीत को टी शर्ट लेनी थी एक, और अभी हम बाहर को निकल रहे हैं। सामने यहाँ पे एक कैंडी शॉप है, अंदर जाता हूँ मैं अभी, पहले गाड़ी को निकलने देते हैं यहाँ से। मसरीज हॉप ऑन हॉप ऑफ की जो बस है यहाँ पे, आप देखो इस तरह की है गाड़ी भी है। सामने जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये गलाता टावर है, और इसकी जो हाइट है ये है 41 मीटर। इसमें 9 फ्लोर्स हैं, सबसे टॉप फ्लोर में आप देख रहे हो कुछ लोग घूम रहे हैं, वहाँ से आप पूरा जो गलाता है वो उस सिटी का व्यू देख सकते हैं आप। और अभी इसका जो इसको म्यूज़ियम बना दिया है, इसके अंदर जाने के लिए आपको टिकट्स लेनी होती है, और टिकट काउंटर आपको दिखा देता हूँ मैं कहाँ पे है, उसके लिए तो बहुत लंबी लाइन लगी हुई है अभी। चलो फिर भी ट्राई करते हैं, अगर टिकट मिल जाता तो ऊपर जाएंगे, ज़्यादा लंबी लाइन है तो मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि 2:30 मेरी ड्यूटी है आज, और ऑलरेडी यहाँ पर 1 o'clock हो गया, तो यहाँ तक लाइन लगी हुई है, बहुत मुश्किल अंदर जाना। और सामने जो आप देख रहे हैं ये गलाता टावर का टिकट ऑफिस है, यहाँ से आप टिकट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे इटालियन जो पास्ता वगैरह इसका प्रमोशन चल रहा है यहाँ पे, सो दे नीड टू डू समथिंग, और इटालियन स्टार्ट टू प्रोड्यूस
these mozzarella. Bu mozzarellayı üretmeye başlamışlar. And then they had an idea. Sonra bir fikir gelmiş aklına. They said, look here. Yerde bura ab just ek promotion kar rahe hain pasta wagera jo bhi italian ye product hai uska buffet bhi laga hua hai yahan pe agar aapko try karna hai to kar sakte hain aap dekhen yahan pe chef hain pure italian chef tereyağı içinde tutuyormuş batteri italian chalo nikalte hain aa jao jaane ki entrance hai wo yahan se dekh sakte hain aap is tarah se hai but bahut lambi line lagi hui hai apan logo ko itna time nahi milta andar jaane ka क्योंकि और भी हमें घूमना फिरना होता है पहले सिर्फ टावर के लिए आते तो शायद हो भी जाता ऑलरेडी 1:10 हो गया है अभी हम निकल रहे हैं यहाँ से और पीछे आप देखेंगे ये मेरे पीछे गलाता टावर है 7 years आप यहाँ पे देख रहे हैं सब गलाता टावर के ही हैं छोटे बड़े तो अभी मैं निकल रहा हूँ फोर्ट की तरफ को यहाँ से नीचे हम निकल रहे अभी सीढ़ियों से यहाँ पर रेस्टोरेंट वगैरह हैं यहाँ पे देखो आप ये कलरफुल सीढ़ियाँ जो आपको दिख रही हैं इसमें से हम नीचे आए थे अभी लेकिन सीढ़ियाँ बहुत निकल आता मैं नीचे क्योंकि ये इस तरह से है ना जैसे आपको अगर अल्मोड़ा आप आए हैं उत्तराखंड में अल्मोड़ा की जो मार्केट है बस उसी तरह से है बहुत चढ़ाई डाउन रोड भी इसी तरह से है बहुत सारी सीढ़ियाँ मेन रोड पर पहुँच चुके हैं और अभी निकल रहे हैं हम पोर्ट की तरफ को यहाँ से और टर्की में यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स हिंदी मतलब हिंदी से मिलते जुलते वर्ड्स भी होते हैं हिंदी नहीं बोल सकते हम उसको वो लोग जैसे वो अरेबिक लैंग्वेज हम बोल सकते हैं उसको जैसे चाय और यहाँ पे गलाता टावर आप पीछे देख सकते हैं मेरे वहाँ पे टॉप में आपको ऊपर दिख रहा होगा पीछे वही गलाता टावर है सामने जो स्ट्रीट में भी आपको दिखा रहा हूँ ये स्ट्रीट में पूरे रेस्टोरेंट वगैरह हैं रेस्टोरेंट की सेटिंग देखो ऐसा लग रहा है जैसे स्कूल में मतलब बच्चों के लिए चेयर लगाई होगी पढ़ने के लिए इस तरह की बना रखी है और बाकी ये स्ट्रीट पूरा रेस्टोरेंट के लिए है पूरा इसमें आपको रेस्टोरेंट ही मिलेंगे आगे तक और आपको यहाँ पे इस्तांबुल में हिंदी बोलने वाले टूरिस्ट बहुत मिलेंगे जो पाकिस्तान से इंडिया से बांग्लादेश से यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं किसी भी गली में चले जाओ इस्तांबुल के अंदर भसड़ तो आपको देखने को मिलेगी आपको ब्लॉग अच्छा लग रहा है ब्लॉग को एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें आगे भी इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए और कल मैं आपको लेके जाऊंगा यहाँ पे जो फेमस है स्पाइस मार्केट वहाँ पे हम चलेंगे पोर्ट के पास पहुँच चुका हूँ सामने आप देखेंगे मेरा शिप यहाँ पे डॉक हुआ है और टाइम ऑलमोस्ट हो गया कितना हो गया टाइम 1:45 हो गया है और 2:30 मेरी ड्यूटी है तो चलिए मैं निकलता हूँ अंदर एक बार पूरे पोर्ट का नज़ारा दिखा देता हूँ वो कुछ इस तरह का है आपको शिप की सिर्फ चौंस दिखी होगी आगे बाव फॉरवर्ड बाकी कुछ नहीं दिख रहा होगा अभी तो मुझे सिक्योरिटी चेक वगैरह कराना पड़ेगा शॉपिंग भी ज़्यादा कर ली आज फिर से इसीलिए बाहर कम निकलता हूँ मैं यहाँ पे मैं आ चुका हूँ पोर्ट के अंदर और पोर्ट कुछ इस तरह का है ब्लॉग को यहीं पे एंड करने का टाइम हो गया है मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में थैंक्स फॉर वॉचिंग सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बाय बाय टेक केयर